आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था और आज भी निफ्टी यहां पर वीक क्लोज करता हुआ नजर आया और इनफैक्ट निफ्टी 11,300 के नीचे की क्लोजिंग यहां पर देता हुआ नजर आया, लगभग 23 पॉइंट नीचे। साथ ही सेंसेक्स में लगभग 95 पॉइंट की यहां पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिवनेस बनी रही क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट का एक ट्रेंड चला उस रिजल्ट में काफी हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहां पर बनते हुए नजर आए। खासतौर से SBI का रिजल्ट यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिला और इस वजह से स्टॉक में रैली देखने को मिली और बैंक निफ्टी 155 पॉइंट प्लस 29,000 के ऊपर यहां पर क्लोज करता हुआ नजर आया। साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहां पर अगर चर्चा करें तो अभी भी जील यहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बंद हुआ, स्पेकुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही टाइटन के रिजल्ट दो दिन पहले काफी अच्छे देखने को मिले, आज भी वो मोमेंटम बरकरार रहा। साथ ही SBI जैसा मैंने पहले बताया कि आज रिजल्ट अच्छा होने से इसमें एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। भारतीय एयरटेल और हाउसिंग ये ऐसे काउंटर रहे जिनमें कि पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर स्टॉक यानी कि 70% स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के सेल साइड ही यहां पर देखने को मिले। इन्वेस्टर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा करते हुए नजर आए और इस बार पूरे हफ्ते FIIs ने यहां पर सेलिंग ट्रेंड ही कंटिन्यू रखा। दूसरी तरफ कुछ निफ्टी के ऐसे स्टॉक्स रहे जिनमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसे टाटा स्टील। चूंकि टाटा स्टील में फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से अगर जाएं तो उनका जो ज्वाइंट वेंचर था वो फेल हुआ, इसकी वजह से स्टॉक में 7-7.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। साथ ही SCL टेक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और इंफ्राटेल ये ऐसे काउंटर रहे जो कि आज टॉप लूजर में कंटिन्यू रहे। और मैं समझता हूं कि अभी आने वाले ट्रेंड में थोड़ा सा मार्केट यहां से बॉटम आउट होता हुआ नजर आएगा और अगले हफ्ते थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है।